पश्चिम बंगाल के हालात पर गवर्नर सीवी आनंद बोस की इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है और इससे पहले बोस राज्य सरकार को लेकर कई सवाल उठा चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह से सीवी आनंद बोस की मुलाकात जारी है, इसमें पश्चिम बंगाल के हालात पर बात हो सकती है। तो बंगाल के हालात पर बोस की शाह से मुलाकात इस वक्त। कोलकाता रेप कांड को लेकर देश भर में आक्रोश है, सियासत भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस देश के गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और जाहिर सी बात है इसमें पश्चिम बंगाल जो रेप कांड है उसको लेकर मंथन चर्चा जरूर हो सकती है। तो इस वक्त दिल्ली में मौजूदगी है गवर्नर बोस की और पश्चिम बंगाल के गवर्नर की इस वक्त गृहमंत्री से मुलाकात। देखिए कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे हुए थे। अपनी बात को उन्होंने रखा था कि किस तरह से पश्चिम बंगाल और देश के लोग आक्रोशित हैं इस जघन्य अपराध को लेकर। उसके बाद से आज सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गवर्नर वो गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और गवर्नर ने ममता सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे इसके पहले। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने भी अपना गुस्सा जाहिर किया था। गवर्नर बोस दिल्ली में है और अमित शाह से मुलाकात इस वक्त चल रही है। तो ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। लगातार ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर देश के अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट्स भी थे, मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े लोग भी थे और आज देखिए पश्चिम बंगाल में विपक्ष तो सड़कों पर है ही, सत्ता पक्ष भी सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। लगातार ममता सरकार टीएमसी के जो मंत्री हैं और उनके नेता वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही उठा था कि सत्ता में आप हैं, सरकार में आप हैं, फिर किसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन इस वक्त दिल्ली की खबर आपको बता दें कि बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस गृहमंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और यह मुलाकात इस वक्त चल रही है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सीवी आनंद बोस बंगाल के राज्यपाल और गृहमंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हो रही है, इस पूरी खबर को आप विस्तार दीजिए। बिल्कुल आशुतोष, करीब 10 मिनट हो गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनकी मुलाकात चल रही है। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों जिस तरीके के हालात बने हुए हैं आशुतोष, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ इस बैठक में जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वो देंगे। इसके साथ ही आपने देखा कि वहां पर इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई की चल रही है। माना जा रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम भी जो अस्पताल में घटना हुई है उसको लेकर के जांच करने के लिए आगे बढ़ेगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अभी क्या राजनीतिक हालात हैं पश्चिम बंगाल में, इसके साथ साथ वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है, इस पर विस्तृत चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ और जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के उनके साथ होगी इस बैठक में। कल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनकी मुलाकात राज्यपाल से हुई थी और उन्होंने कई तरीके के आरोप जो वहां की सरकार है उसको लेकर के राज्यपाल के सामने लगाया था और उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार जो है कानून व्यवस्था को लेकर के सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो ये तमाम मुद्दे जो होंगे वो गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में चर्चा राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है जितेंद्र, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।